Good morning, class 9th. Today I will teach you SST. और प्रीवियस क्लास में हम चैप्टर 1 इंडिया साइज और उसकी जो लोकेशन है ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस क्लास में हमने इस चैप्टर में जो इंडिया की लोकेशन है उसके बारे में पता किया, ये किस कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है और एशिया कॉन्टिनेंट जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। इसके अलावा हमने मैप में जो ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस है, नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस है, इसके बारे में डिस्कस किया। मोस्ट ईस्टर्न पार्ट एंड मोस्ट वेस्टर्न पार्ट, ओके। मोस्ट ईस्टर्न पार्ट कौन सा है? किबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ओके। और मोस्ट जो वेस्टर्न पार्ट है, गुहार मोती, जो कि कहाँ है? कच्छ, गुजरात में, ठीक है। देखिए, गुजरात से अगर अरुणाचल प्रदेश के जो समय है स्थानीय समय में, उसमें 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। तो इसीलिए जो 82 डिग्री 30 मिनट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, इसे स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है पूरे वर्ल्ड का। और ये जो लाइन है ये कहाँ से होकर पास होती है? ये मिर्ज़ापुर एक जगह है, ये जगह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है 82 डिग्री 30 मिनट, ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर पास होती है, ठीक है। तो पूरे कंट्री के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम है यहीं से फॉलो किया जाता है, ओके। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड, ओके। यहाँ से शुरुआत करेंगे। द इंडियन लैंडमास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। देखिए, जो इंडियन लैंडमास है वो अगर देखा जाए तो एशिया महाद्वीप के पूर्व में, ठीक है, ईस्ट में और वेस्ट में स्थित है। इंडियन लैंडमार्क कहाँ पर है? इंडियन लैंडमार्क जो है ये पूर्व यानी कि ईस्ट और वेस्ट एशिया के मध्य में स्थित है, यानी कि बीच में स्थित है, ठीक है, सेंट्रल में है ये। इंडिया इज ए साउथ वार्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। और देखिए, जो इंडिया जो है ये एशिया महाद्वीप का यानी कि एशियन कॉन्टिनेंट का दक्षिणी विस्तार है, साउथ वार्ड एक्सटेंशन है ये। इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट का साउथ वार्ड एक्सटेंशन है, ठीक है, दक्षिणी विस्तार है। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया provide a strategic central location of India. अब देखिए, जो हिंद महासागर है, ठीक है, यानी कि ट्रांस इंडियन ओशियन, हिंद महासागर जो कि यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, और ये भारत को कैसी स्थिति प्रदान करता है? भारत को ये सेंट्रल पोजीशन, सेंट्रल लोकेशन प्रदान करता है, यानी कि जो भारत है वो किस लोकेशन में आ जाता है? सेंट्रल लोकेशन में आ जाता है, ठीक है। नोट दैट द डेकन पेनिसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन, थस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया। देखिए, जो दक्षिण का पठार है वो हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के जो देश हैं, पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकट संबंध बनाए हुए, यानी कि उनके निकट में है ये, ठीक है।
thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with southeast, and East Asia from the eastern coast. Okay? No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has and indeed. अब देखिए, नो अदर कंट्री, कोई भी देश हिंद महासागर में किसी भी देश की जो तटीय सीमा है वो भारत जैसी नहीं है, ठीक है? हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा है वो कैसी नहीं है, भारत जैसी नहीं है. इट इज इंडियाज एमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट. यानी कि भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम, एक महासागर का नाम भी इसी के नाम पर रखा गया है, ठीक है? चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं. ग्राफ है इसमें, लेकिन इससे पहले हम ये डू यू नो इसे रीड आउट कर लेते हैं. सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनल इन 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 kilometer. देखिए, इस क्या आप जानते हैं कि सन 1869 में जब स्वेज नहर खुला, स्वेज नहर जब ओपनिंग हुआ खुला 1869 में, तो जो इंडिया की जो डिस्टेंस है, इंडिया की जो डिस्टेंस है यूरोप से, वो रिड्यूस हो गई, मतलब कम हो गई. कितनी कम हो गई? लगभग 7,000 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो कम हो गई, ठीक है? चलिए अब ये यहाँ पर आप ग्राफ देखिए, नीचे ये कंट्रीज़ हैं और ये जो एरिया दे रखा है यहाँ पर, ये एरिया देखिए आप, ये एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है? तो ये सेवन लार्जेस्ट कंट्री हैं ऑफ द वर्ल्ड. तो ये सबसे बड़ा जो कंट्री है वो रशिया है, ठीक है? ये 17.09 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसका. कनाडा का 9.98. ये किस ईयर के अकॉर्डिंग है? ये यूनाइटेड नेशन डेमोग्राफिक ईयर बुक 2009-2010 के अकॉर्डिंग है, ठीक है? कनाडा का देख सकते हैं आप 9.98, यूएसए 9.62, चाइना 9.59, ब्राज़ील 8.51 स्क्वायर किलोमीटर, ऑस्ट्रेलिया 7.69 स्क्वायर किलोमीटर एंड इंडिया 3.28 किलोमीटर. तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आप जो एरिया है वो किसका है? रशिया का, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं. इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एजेस, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट. देखिए, भारत का जो कॉन्टैक्ट है विद द वर्ल्ड, यानी भारत का जो विश्व के देशों के साथ जो संपर्क है, कंटिन्यू थ्रू द एजेस, वो बहुत पुराना है, ठीक है? बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट. लेकिन ये जो संबंध है ये समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था, ठीक है? यानी कि लैंड रूट जो है वो मच ओल्डर, यानी कि जो लैंड रूट की अगर बात की जाए तो वो जो समुद्री मार्ग है उससे ज़्यादा पुराना है, ठीक है? द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशियंट ट्रैवलर्स, वाइल द ओशंस रेस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है? तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको कि जो समुद्री जो जलमार्ग है उसकी अपेक्षा अगर देखा जाए तो भूभागों से होकर था, लेकिन समुद्री मार्ग काफ़ी समय तक ज्ञात नहीं थे. और जो उत्तरी पर्वत हैं, ठीक है, माउंटेन्स इन द नॉर्थ, जो उत्तरी पर्वत के जो दर्रे हैं उनसे अनेक यात्री जो हैं प्राचीन काल में आते थे. एंशियंट ट्रैवलर्स मतलब जो प्राचीन यात्री थे,
वो कहाँ से होकर आते थे? उत्तरी पर्वतों के दर्रों से होकर आते थे, ठीक है, क्योंकि जो समुद्री मार्ग है बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। और इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान भी होता रहा है, ठीक है। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशियंट टाइम्स, यानी कि प्राचीन समय से ही विचारों का आदान प्रदान और कमोडिटीज मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान प्राचीन समय से होता रहा है। द आइडियाज ऑफ द उपनिषद एंड द रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसी प्रकार जो उपनिषद हैं उसके विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंग और जो दशमलव जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसको डिफरेंट पार्ट्स में भेजा गया वर्ल्ड के, दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। रामायण महर्षि वाल्मीकि ने इसको, ठीक है, लिखा है, और जो पंचतंत्र है विष्णु शर्मा ने लिखा है, ठीक है, इसे नोट कर सकते हैं अलग से आप। द स्पाइसेस मुस्लिन एंड द अदर मर्चेंडाइज व टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज, इसके अलावा मसाले, मलमल, ठीक है, मुस्लिम मलमल, और इसके अलावा कुछ और भी जो वस्तुएं थीं उन्हें विभिन्न देशों के लिए ले जाया जाता था, ठीक है। ऑन द अदर एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर कंट्री, ठीक है। यानी कि जो मसाले हैं, मलमल हैं, इसके अलावा इनका भी व्यापार किया जाता था, और इसके विपरीत जो यूनानी स्थापत्य कला है और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक जो मीनारें हैं, ये जो गुंबद हैं, इनका जो प्रभाव है देश के अलग अलग देशों में भी देखने को मिला, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इंडियाज़ नेबर्स, यानी कि जो इंडिया के जो पड़ोसी हैं, उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।